Montu! Baalsakhi! क्या करूं मैं? एक तरफ अग्नि विमान अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है जिससे बच्चों की जान खतरे में है और दूसरी तरफ बालसखी नीचे गिरती ही जा रही है। बहुत कम समय बचा है मेरे पास, मैं सिर्फ किसी एक को ही बचा सकता हूं। किसे बचाऊं मैं? किसे? बालवीर! 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 बुला बुला, जल्दी बुला। ओके दोस्तों, मनीष, मोनिका। मोनिका जी, प्यार से। ओके। दोस्तों, मेरे दोस्तों, मनीष, मोनिका जी, यहाँ ये, जल्दी आइए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, वाह वाह वाह। क्या हुआ रोहित, क्यों बुलाया हमें? अरे ये बताने के लिए कि मोंटू बॉस ने मोनिका का पर्स ढूंढ लिया है। अरे पूरी बात बता, वो फाइट वाली। हाँ हाँ, और पता है मोनिका, मोंटू बॉस ने अपने पर्स में लगे जीपीएस से उस चोर का लोकेशन पता किया और फिर क्या, फिर हमेशा की तरह मोंटू बॉस पिट गए। मतलब मतलब वो चोर और मोंटू बॉस की एकदम जबरदस्त फाइट हुई। वो चोर चालाकी से वो बैग लेकर भाग गया, पर फिर भी मोंटू बॉस ने हार नहीं मानी और अपनी जान पर खेलकर मोनिका का पर्स छीन लिया और इस तरह तुम्हारा पर्स मोंटू बॉस को मिल गया। ये रहा तुम्हारा पर्स। वाह मोंटू, यू आर सो कूल, यू आर ग्रेट, मोनिका की तुम सुपर हीरो। तुम्हें लगा था मोनिका ये सब बोलेगी? बिल्कुल नहीं, ये मोनिका का पास हो ही नहीं सकता क्योंकि मोनिका का पास मोनिका के पास है। ये देखो, फिंगर ऑन योर लिप्स मोंटू, तुम बहुत झूठे हो और मोनिका को ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ में आया? और यस, मोंटू द ग्रेटेस्ट झूठे लगा नहीं, अगर बैग चोरी नहीं हुआ था तो तूने उसे ट्रैक कैसे कर लिया? तेरी बड़ी बड़ी फेंकने वाली आदत को सबके सामने लाने के लिए हमने बैग को ही छुपा दिया था और ऐसे एक्टिंग की कि बैग ही खो गई। चल मनीष, मोनिका को ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और मोनिका ऐसे झूठे लोगों से बात तक नहीं करती। मोनिका, कहा था बॉस मत करो, जूते पड़ेंगे। आइडिया था विद्यो, ये तुमने मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के साथ अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरा दोस्त है और बालवीर अपने दोस्तों को कभी भी कुछ नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं। नहीं बालवीर, नहीं, आज तुम ना बच्चों को बचा पाओगे और ना ही बालसखी को। जिस तरह मैंने अपनी बहन वायरस को खोया है, आज तुम अपने सारे दोस्तों को खो बैठोगे। नहीं बालवीर, नहीं, आज तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगी।
बालवीर बालवीर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रचंडी का आ नहीं सकती, प्रचंडी का कभी नहीं आ सकती। पांच मिनटों में तुमने उस रॉकेट को पृथ्वी की रेखा के अंदर रोक दिया तो बच्चे बच जाएंगे, लेकिन अगर वो रॉकेट धरती की सीमा से निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया तो पांच मिनट पूरे होते ही उस रॉकेट में होगा एक धमाका। बस, और 30 सेकंड के लिए मुझे इस विमान को पृथ्वी की सीमा रेखा में रोककर रखना होगा। बाल सखी, हम अग्नि विमान को पूरे 5 मिनट के लिए धरती की सीमा रेखा में रोकने में कामयाब हो गए। हम सारे बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। हम जीत गए बाल सखी, अच्छाई बुराई से जीत गए। देखा देखा, मैंने कहा था ना, बालवीर बाल मित्र और बाल सखी के होते हुए किसी बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। विश्वास तो मुझे भी था बालवीर पे, लेकिन क्या करूं, बच्चों का दादा हूं ना, चिंता तो होगी। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। थैंक यू सुपर हीरोज, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सुपर हीरोज, शुक्रिया। मेरे इतने बड़े बाल को तुमने बेकार कर दिया। बहुत हो गया तुम्हारे और मेरे बीच ये आंख में चोली का खेल। अब मैं तुम्हारे सामने आऊंगी और तुम पर वार करूंगी। बाल सखी, होश में आओ बाल सखी, आंखें खोलो। शुक्र है तुम्हें होश आ गया बाल सखी। अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाली, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन उस अग्नि विमान का क्या हुआ? वो पृथ्वी के बाहर तो नहीं गया ना? बाल सखी तुम चिंता मत करो, अग्नि विमान पृथ्वी के बाहर तो नहीं गया ना, और साथ ही साथ सारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। अब तक तो वो अपने घर भी पहुंच गए होंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बालवीर, आखिरकार हमने उस बुरी शक्ति को हरा दिया। नहीं बाल सखी, अभी भी वो बुरी शक्ति हमारी पहुंच से बहुत दूर है। पता नहीं अब वो बुरी शक्ति कौन सा नया वार करने के बारे में सोच रही होगी। मुझे जल्द से जल्द रानी परी को यह बताना होगा। सारे बच्चे आ गए हैं, अब तक तो बालवीर और बाल सखी को भी आ जाना चाहिए था। हाँ बाल परी, हम भी यही सोच रहे हैं कि बाल सखी और बालवीर अभी तक आए क्यों नहीं।
बाल सखी आप अकेले क्यों आई हैं? बालवीर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नहीं रानी परी, परियों, बालवीर खतरे में है। हाँ, उस बुरी शक्ति ने अपनी जादू शक्तियों की मदद से बालवीर को अपनी ओर खींच लिया है। क्या? तो तुम ही हो वो बुरी शक्ति जो मुझे और बच्चों को परेशान कर रही है। बिल्कुल सही पहचाना बालवीर। कौन हो तुम? प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा, ये है मेरा डिजिटल लोक, जहां तुम्हारी कोई शक्ति नहीं चलेगी, चलेगा तो सिर्फ मेरा आदर्श, जो मेरे एक ही इशारे में पूरा हो जाता है। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? ये देखो, देखो इस तस्वीर को बालवीर, पहचाना? हाँ, ये मेरे ग्रह की स्पेसशिप है जिसे तुमने नष्ट कर दिया, और साथ ही अंत कर दिया मेरी बहन वायरस का, जो उस वक्त इस स्पेसशिप के अंदर थी। इस स्पेसशिप ने हम पर पहले हमला किया था, और इसलिए हमने जो भी किया खुद के बचाव के लिए किया। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बड़े दुख की बात है, तब तो तुम बच गए बालवीर, लेकिन अब कैसे बचोगे? लेकिन तुम्हारा अंत करने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे पृथ्वी लोक पर मैं कैसी तबाही और कैसा विनाश मचाने वाली हूं। रोहित, मोनिका की बात सुन के तो दिल पे चोट लग गई। चलो डॉक्टर के पास पट्टी करवा देता हूँ। मतलब मोंटू बस फिर तो हम सस्ते में निपट गए, वरना सोचो कहाँ कहाँ चोट लगती अगर उस चोर को पकड़ के लाए होते तो। सही कहा, चल। वो दोनों मोटे इसी स्कूल का नाम ले रहे थे। पब्लिक ने मेरी बहुत धुलाई की उन दोनों के वजह से। उन दोनों को तो मैं इतना मारूंगा। ढूंढो ढूंढो उनको। रोहित अब क्या करें? अब तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। करना क्या है अब? पिटो।
पीटो नहीं नहीं एक काम कर कॉपी कर मुझे लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है हेलो क्या हम लोग पहले कहीं मिले नहीं नहीं हाय मोनिका अरे ये तो वही लड़का है पकड़ो मारो इसे पसादियों ने बोल सकते पकड़ो अच्छा तुम सब लोग इस मोटे के साथ मिले हुए हो तुम सब पिटोगे हम लोग नहीं तुम पिटोगे समझे जबान लड़ा रही ऊंचे बहुत हाथ चला रहा है तूने मोनिका को हाथ कैसे दिखाया हाँ मोनिका पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तूने हाँ उठाना ही था तो मोंटू बॉस पे हाथ उठाता हाँ लेकिन मोनिका की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये आंखें नीचे कर दूंगा खींच लूंगा तेरी आंखें अरे देख क्या रहे हो मारो इसे अरे तुम लोग भी मारो मारो मोनिका तो भी प्लीज मुझे माफ कर दो ना सॉरी इट्स ओके देखो बालवीर तुम्हारे पूरे पृथ्वी लोक को एक साथ तबाह करने के लिए मैंने दुनिया भर के परमाणु बम को जागृत कर दिया है बस मेरे ये बटन दबाते ये सारे परमाणु बम विस्फोट के लिए तैयार हो जाएंगे और उसी के साथ पूरा पृथ्वी लोक परियां बाल मित्र बाल सखी सबके सब समाप्त हो जाएंगे तुम सबके विनाश के साथ पूरा होगा मेरा बदला प्रचंडिका सिर्फ तुम्हारे कहने से पृथ्वी काम नहीं होगा लेकिन हाँ तुम्हारी बहन की तरह आज तुम्हारा और तुम्हारी बुराई का अंत जरूर होगा देखा बालवीर वाह जो गए ना मेरे सामने अगली बार मुझसे वार करने से पहले याद रखना मैं कोई साधारण बुरी शक्ति नहीं हूं प्रचंड विनाश काम है मेरा प्रचंड का नाम है मेरा अब शुरू हो जाओ अपने आखिरी पल गिनने के लिए For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.